स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। और हमें बहुत खुशी है कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे आपको, आपके दोस्तों को, आपके जानने वालों को फ़ायदा पहुंच सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी UP SSSC की 20 क्लासेस की सीरीज़ चल रही है, और उसमें 3 क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अब 4th क्लास स्टार्ट होने वाली है। और हमने कोर्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया है जिससे आपको, हमको, हम सभी को फ़ायदा मिल सके, और जिस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग कन्वर्जन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी 6 कन्वर्जन्स पढ़ चुके थे। हमारे 4 कन्वर्जन और बाकी हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप जल्दी से वो सारे कन्वर्जन। तो सबसे पहले जो है, जो आपका कन्वर्जन बच रहा है वो है आपका बाइनरी से ऑक्टल। तो आपसे को आपको कोई बाइनरी नंबर दे सकता है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका ऑक्टल कन्वर्जन बताइए, ठीक है। तो सपोज़ हम कोई एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी आपको सबको पता है, बाइनरी मतलब जो बेस होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। ऑक्टल मतलब जो बेस होगा वो कितना होगा, वो होगा 8, ठीक है। अब सपोज़ बाइनरी नंबर आपको कोई दिया है 1101। रैंडमली हम कोई नंबर ले रहे हैं 1100.101, ठीक है। यह आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है और आपसे पूछता है कि इसका ऑक्टल कन्वर्जन बताइए। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपसे ऑक्टल में पूछा है, ऑक्टल का मतलब क्या है, बेस है 8, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेस है 8, 8 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 4, 4। वैसे ये इतना ध्यान मत रखो, आप सीधे सीधे ध्यान रखो कि आपको एक कोड याद रखना है 8421। क्या है कोड, 8421, ठीक है। ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो 8421 इस कोड को आप याद रखिए। इसके अलावा एक जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑक्टल में कन्वर्जन पूछा है, ठीक है। तो ऑक्टल का मतलब हो गया 8, और अगर इसको आप 2 की पावर में लिखते हो तो 2 की पावर आता है 3। इसका मतलब कि ऑक्टल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसकी जो बिट्स आएंगी, ये बिट की वैल्यू होती है, बिट की संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो होगा ऑक्टल नंबर वो 3 बिट का होता है। अगर यही बात आपका हेक्साडेसिमल में पूछा जाता तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, उसका बेस 16, और 2 की पावर में हम 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। तो जो ये इसका मतलब जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितने बिट का होगा, वो होगा 4 बिट का। बस यही 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट 8421 कोड, दूसरा अगर ऑक्टल है तो वो कितने बिट का नंबर सिस्टम है, 3 बिट, और अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर है तो वो कितने बिट का नंबर सिस्टम है, 4 बिट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप देखिए, हम देखते हैं इसमें हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ऑक्टल जो है 3 बिट का है, तो हम क्या करते हैं, 3 3 बिट की पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3 बिट के पेयर बनाते हैं। अब देखिए पेयरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पेयर बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप पेयरिंग क्या करोगे किधर से, ठीक है। तो पेयरिंग हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो दशमलव के बाद वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर हम पेयरिंग स्टार्ट करें 3 3 बिट की, तो 3 बिट हो गई ये 001, 3 बिट का एक पेयर ये हुआ, एक पेयर हुआ 110, ठीक है, 2 पेयर तो मिल गए। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो बच रहा है वो केवल क्या बच रहा है, 11, ठीक है। ये 3 बिट नहीं बन रहे, ये केवल कितने हैं, 2 बिट हैं। तो इसको 3 बिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गई, 3 बिट। 3 बिट हम क्यों बना रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है। 3 बिट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑक्टल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल नंबर जो होता है वो कितने बिट का होता है, वो होता है 3 बिट का, ठीक है। अब हम ये देखिए, अब हम करते हैं दशमलव के बाद वाली वैल्यूज़ को असाइन, ठीक है, 3 3 बिट के पेयर में मतलब बांधते हैं इसको। तो ये जो है एक बन गया 3 बिट का, इसमें अब कोई एक्स्ट्रा लेफ्ट नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा बचा नहीं है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा बचता तो हम क्या करते, हम उसके आगे 2 0 और बढ़ा देते। अगर एक एक्स्ट्रा बचता तो 2 0 ऐड कर देते, तो 3 बिट का पेयर हो जाता एक, ठीक है। और अगर 2 बचते तो हम 1 0 बढ़ा देते, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर होता
मैं यहीं पर बता देती हूँ, सपोज यहाँ पर एक और वन होता, ठीक है, तो एक एक पेयर तो ये बन जाता, लेकिन ये एक खाली रह जाता, और आपको क्या चाहिए, आपको तीन बिट्स चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो आप क्या करते, इस वन के आगे दो जीरो और ऐड कर देते, तो एक पेयर ये बन जाता, ठीक है। तो अभी हम यही ले लेते हैं, सपोज हमारा जो वो था क्वेश्चन जो था वो था 110 111 00.1011, ठीक है, सपोज हमारा ये आंसर था, मतलब क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा, बिट्स बन गए, ठीक है, तीन तीन बिट के पेयर बन गए। अब हम इसका, हमने पेयरिंग कर ली है, अब हम इसको वैल्यूज दे देते हैं। वैल्यूज कैसे देंगे, मैंने बताया बस आप 8421 जो कोड है इसको याद रखिए। आप 001 को अगर आप तीन बिट के कोड में देखोगे, ये तीन बिट का कोड है 421, 8 हटा दो आप तो तीन बिट का कोड बन गया। अब 100 का मतलब क्या हुआ कि 100 421 के अगर हम नीचे लिखें तो 1 का मतलब है कि 4 हाई है, और 2 20 है इसका मतलब 2 लो है, मतलब ये ऑफ है, और 1 ये भी ऑफ है, तो मतलब 100 का मतलब क्या हुआ 4, यानी ये हो गया 4। 011 का मतलब क्या होगा 2 + 1 = 3, 011 अगेन 011 है तो क्या होगा 3 पॉइंट, अब ये क्या है 101, अगर आप देखो 101 तो 1 किसके नीचे आ रहा है 4 के, और एक 1 किसके नीचे आ रहा है 4 के, सॉरी 1 के, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो वेटेड कोड होगा वो कितना होगा 5, ठीक है, क्योंकि 2 तो 0 है, तो ये जो वैल्यू होगी 101 ये कितनी होगी 5। और अब हम तीसरी देख लेते हैं, वो है 100 100, इसको ध्यान से समझिएगा, 100 मतलब 1 किसके नीचे है 4 के नीचे, और जो दो बिट्स हैं वो क्या है 0, तो इसका मतलब इसका जो वेटेड कोड है वो कितना होगा 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। सिंपल, ये हो गया आपका ऑक्टल कन्वर्जन। तो यहाँ पर जो सारा खेल है वो किसका है, वो है उस कोड का 8421 जो हमारा BCD कोड होता है उसका सारा खेल है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपसे ऑक्टल में कन्वर्जन पूछा है तो आप तीन तीन बिट के पेयर्स बना लेंगे और उसको वेटेड कोड के अकॉर्डिंग उनको वैल्यू असाइन कर देंगे। अब अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा क्वेश्चन है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब देखिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, यही था, इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर ये है, सेम हमने ले लिया, यहाँ पर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में मैंने आपको क्या बताया, हेक्साडेसिमल मतलब 2 की पावर 4, मतलब कितने बिट का है ये 4 बिट का, इसका मतलब जो इसमें पेयरिंग आप करोगे वो कितने बिट की करोगे, वो 4 बिट की करोगे, ठीक है। तो आप इसको जब करोगे, सपोज अब यहाँ पर आप पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम देखिए दशमलव के जस्ट बाद से स्टार्ट करी पेयरिंग, 4 बिट ले ली, 1 1 2 3 4, 4 बिट का एक पेयर ये बना, ठीक है, एक 4 बिट का पेयर ये बना, एक 4 बिट का पेयर ये बना, यानी 4 बिट के हमें 3 पेयर मिल गए। अगर सपोज इनमें कोई भी पेयर अपूर्ण नहीं है, मतलब अधूरा नहीं है, सपोज कोई और भी वैल्यू होती इसके आगे, मैं बता देती हूँ आपको, सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू होती 0, मतलब क्वेश्चन में आपके 0 भी होता, तो यहाँ पर इसको पेयर बनाने के लिए 3 बिट की ज़रूरत और पड़ती, किस केस में, हेक्साडेसिमल के केस में। तो आप उस केस में क्या करते, इसके आगे 3 0 और बढ़ा देते, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता एक और पेयर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे जो 3 पेयर हैं वो डायरेक्ट मिल चुके हैं, तो आप अब इसको नंबर असाइन कर दो। कैसे आप असाइन करोगे, 8421 4 बिट का कोड है, इसको आप असाइन करोगे, देखिए वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यह है 1101, क्या है वैल्यू 1101, बस इसको आपको करना ये होता है कि जिस जिस के नीचे हाई है इस कोड में, जिस जिस के नीचे हाई है, हाई का मतलब है 1 होना, बाइनरी में हाई का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब होता है ऑफ, तो जिस जिस के नीचे हाई है या 1 है बस उसको आप ऐड कर देते हो, वो उसका वेटेड कोड हो जाता है, यानी कि 8 + 4 + 1 कितना हो गया 8 4 12 और 1 13, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई वो आई 13,
1100, अब हम इसको देख लेते हैं 1100, तो ये कितनी होएगी 8 4 12, बस ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि 00 है, तो ये हो जाएगा 12 इसका वेटेड कोड। और तीसरा जो है वो है 1011, ठीक है, तो 1011 इसकी भी वैल्यू क्या होगी 8 + 2 = 10 और 1 = 11, चार वाला ऐड होगा नहीं क्योंकि 0 है, तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक आपके नंबर्स यूज़ होते हैं, 9 के आगे जितने भी नंबर्स हैं आप उनको अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स हैं वो असाइन करते हो, तो इसका मतलब 13 क्या होता है, A10, B11, C12, D13, इसका मतलब जो 13 होता है वो क्या होता है D, तो इसका आंसर आएगा D C B, ये इसका आंसर होगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी हमने सीख लिया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बस करना कुछ नहीं है, सेम है, बस उसमें आप याद रखिएगा 3 3 बिट के आप पेयर बनाओगे ऑक्टल में, वो भी आपको पता है 3 बिट के क्यों बनाओगे, और हेक्साडेसिमल में आप किसके बनाओगे 4 बिट के बनाओगे। अब हम बात करते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, सपोज आपका कोई नंबर दे रखा है, तीसरा कन्वर्जन हम देख रहे हैं अब यहाँ पर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, सपोज आपको कोई नंबर है, सपोज दे रखा है 25 या 256, ठीक है 256 और आगे भी ले लेते हैं कुछ 0.12, सपोज ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसको आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे, ऑक्टल है हेक्साडेसिमल में करना है, क्या याद रखना है कि ऑक्टल है मतलब 3 बिट, ठीक है। अब इसको असाइन करो, आप कोड क्या याद रखना है 8421, ये कोड है, 6 को आप 8 4 3 बिट के कोड में आप कैसे लिखोगे 4 + 2, ठीक है 3 बिट का कोड अगर लिखो आप 421, तो इसको क्या लिखोगे 4 + 2 = 6, इसका मतलब 6 को आप लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ 421 आप जिससे देखते रहो, देखो इसको 6 को आप लिखोगे 110 110, 5 को आप लिखोगे 101, 2 को आप क्या लिखोगे 010, ठीक है समझ में आया कैसे, 2 को आप क्या लिखोगे, 2 का मतलब है केवल 2 को हाई करोगे, तो इसको 1 दे दोगे, इसको 00 दे दोगे, 5 का मतलब है केवल 5, मतलब जो एडिशन करने पर 5 आए केवल उन नंबर्स को हाई करेंगे, तो मतलब 4 को हाई करोगे और 1 को हाई करोगे, 2 को क्या रखोगे 0, ठीक है। ऐसे 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब क्या ये हुआ कि 4 को हाई रखोगे और 2 को हाई रखोगे, यानी 4 + 2 कितना हो गया 6 और 1 को 0 रखोगे, तो यही हमने कोड लिखा है, सिंपल है। अब इसको आप पॉइंट वाले को 1 का देख लो, 1 का क्या होगा 3 बिट में 001 421 से, ठीक है, और 2 का क्या होगा, 2 का होगा 010, ठीक सिंपल। अब आपका इसका हमने क्या कर लिया, बाइनरी कन्वर्जन, यानी वैल्यू आपकी आई 010 101 110 001 010, ये क्या हुआ बाइनरी में, सिंपल। आपको करना किस में है, आपको करना हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में आप कितने के पेयर बनाते हो 4 के, यहाँ से आप सिंपल 4 के पेयर बना दो, क्योंकि बाइनरी से हेक्साडेसिमल तो आपने सीखा है अभी, बस सिंपल। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप 4 4 के पेयर बना दो, ये 4 का पेयर 1 बना, एक ये 4 का पेयर बना, ठीक है, ये 0 है इतना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उसके पहले अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 ही 3 0 आप ऐड कर दोगे, यहाँ पर आप 4 4 के पेयर बना लो, यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है, तो इसके आगे 2 0 और ऐड कर दो, तो 1 4 का पेयर ये बन गया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए वैल्यू जो भी इसकी आई है, इसकी वैल्यू आएगी 8421 कोड के हिसाब से, इसको आप देखो यह है 8421, यह है 8 और 4 12, इसकी वैल्यू कितनी हुई 12, इसकी वैल्यू कितनी हुई 8 4 12 और 2 14, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 0010 मतलब 2, और इसकी वैल्यू कितनी हुई 8, ठीक। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था 12 को 12 नहीं लिखते हैं, 14 को 14 नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखोगे 12 को, A को A10, B11 और C12, तो ये हो जाएगा C13,
डी ई 14, तो ये हो जाएगा आपका ई, ये हो जाएगा 2, 8, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉइंट के बाद हैं, तो ये उसका हो जाएगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, एक बार आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या कैसे कोई भी कन्वर्जन होगा। अब यहीं पर एक और जो लास्ट कन्वर्जन है वो और बच रहा है, वो भी हम देख लेते हैं इसी के साथ। ये तो हमने देखा था ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हेक्साडेसिमल में अगर सी या ई या ए इस टाइप से अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और जो लास्ट कन्वर्जन बचा है वो है आपका इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट क्या कि हेक्साडेसिमल से, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। अगर ये कन्वर्जन ना बहुत मज़ेदार है, अगर आप सही से इसको करो ना तो बहुत मज़ा आता है आपको। देखिए हेक्साडेसिमल से ऑक्टल आपको करना है, यानी कि जस्ट इसका ऑपोजिट। आप देखिए, सपोज हमने कोई नंबर लिया, क्वेश्चन AD7.98, ये कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको किस में करना है, ऑक्टल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल है इसलिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ है। अब देखो हेक्साडेसिमल में है, इसका मतलब 4 बिट का कोड होगा, इसको कन्वर्ट कर लो, 7 है, 7 का मतलब क्या हुआ, 8421 कोड के हिसाब से 7 क्या हुआ, 4, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, इसका मतलब इसका कोड क्या हुआ, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 4 बिट का लिखना है, ये याद रखना, 3 बिट का मत लिखना, हेक्साडेसिमल नंबर है तो आप इसको लिखोगे 0111, किसको, 7 को। डी क्या होता है, डी क्या होता है, 13, ठीक है। तो डी 13 आप कैसे लिखोगे, 8 और 4, 12 और 1, 13, इसका मतलब 1101। ए कितना होता है, ए होता है 10, 10 का मतलब हो गया 8 और 2, 10, यानी कि 1010। आया समझ में। अब 9 को लिख लेते हैं, 9 को आप इसमें इस कोड के हिसाब से लिखोगे, कितना लिखोगे, 8 और 1, 8 और 1, 10, यानी कि 8 वाली बिट को और 1 वाली बिट को आप हाई करोगे तो 1001, ठीक है। और 8 को लिख लेते हैं, 8 का क्या आएगा, 8 का आएगा आपका 1000। तो आपका कोड क्या बना, आपका पूरा लिख लेते हैं, कोड बना आपका इसका बाइनरी 1010 1101 0111.1001 1000। ये इसका हुआ बाइनरी। अब आपको इजीली आता है बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, 3 बिट का पेयर बना दो, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दो 3 बिट के पेयर बनाने, एक पेयर ये बना, इधर आप बनाओ, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, और इसके आगे 0 लगा दिया, हो गए। अब इसको 3 बिट में 421 के हिसाब से इसको वैल्यू दे दो, ये है 101 का मतलब है 4+1, क्योंकि ये दोनों हाई हैं तो 4+1 यानी ये हो जाएगा 5। 011 कितना होगा, 011 होगा आपका 3, 010 होगा 2, ये होगा आपका 7, ये होगा आपका 4, ये होगा आपका 60। तो इस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ये आएगी आपकी 5327.46, 5327.46, ये है आपका हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, ध्यान से बस देखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा नंबर दे रखा है। हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट का पेयर बनाना है, और अगर ऑक्टल में पूछा है, क्योंकि ऑक्टल में पूछा है, बाइनरी में अगर एक बार आपका कन्वर्ट हो गया तो बस आपका पेयरिंग बचती है, पेयरिंग आप कर लो। ऑक्टल में पूछा है तो 3 बिट की पेयरिंग कर लो, और अगर हेक्साडेसिमल में पूछा है तो 4 बिट की पेयरिंग कर लो। तो ये इस तरह से हमने नंबर सिस्टम सीखा, और नंबर सिस्टम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे, मतलब ये कन्वर्जन वगैरह ये सब पूछ लेता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को हमारे साथ जोड़िएगा।